हेलो साथियों, मैं साकेत कुमार आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, ज़्यादा लेट ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट था, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था कि एसएसएफ में आने के बाद आपको पढ़ाई के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो उसके हिसाब से वो वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का उस पर क्वेश्चंस आया था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो एक क्वेश्चन पर हमने आज वीडियो बनाने का काम किया है कि एसएसएफ की सैलरी क्या है, यानी कि जिस प्रकार की ड्यूटी है उसमें आपको सैलरी क्या मिल रहा है, आपको ट्रेनिंग के पहले क्या सैलरी दिया जाता है और ट्रेनिंग के बाद कितना सैलरी मिलता है, इस हिसाब से आपको मतलब इसका डिटेल आज आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। और इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, फिर कोई क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा कि हाँ कितना सैलरी है क्या है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, ये जो सैलरी है ना वो ट्रेनिंग टाइम की सैलरी के बारे में बताया गया है एसएसएफ का, और ये अगस्त 2021 का सैलरी है, ठीक है। इसमें आपको बेसिक पे 21,700 आपका है, ठीक है। ये किस लेवल में आता है, तो लेवल 3 में आता है, जिसका कहाँ से कहाँ तक है, तो 21,700 से शुरू होता है और 69,100 तक इस पे लेवल में चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक पे पे, तो बेसिक पे जो आपका होता है वो 21,700 है, ठीक है। जो DA आपको मिलता है सरकार की तरफ से वो 31% मिलता है, जो हो जाता है 6,076 रुपये। आप लोग के समय में यही चेंज करेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा शायद, उस समय 34% तो अभी है, तो आप लोग को आते आते आपको 40% के लगभग में 40 या 43% रहेगा। HRA आपका 27% आपको मिलता है, जो 5,859 रुपये होता है। CPMA 23 रुपये आपको मिलता है, यानी कि जो आपका ट्रेनिंग टाइम में आपका जो टोटल पे बनता है, टोटल पे आपका बनेगा 33,658 रुपये, ठीक है। अब 33,658 रुपये बनता है तो ये सारा आपको मिलता तो है नहीं, क्योंकि कुछ सरकार भी आपसे लेती है, तो CGEGIS कुछ होता है, कंफर्म नहीं है, तो 10 रुपये उसका कटता है। NPS पहले पुरानी पेंशन स्कीम थी, अब न्यू पेंशन स्कीम लाया गया है, तो उसका आपको 2,778 रुपये कटेगा। ये Tier 1 का होता है, ये कितने का होता है, Tier 1 का, ठीक है, 2,778 रुपये आपका कटेगा। CGHS एक कार्ड होता है, हेल्थ कार्ड सरकार देती है, जिसके 250 रुपये वो काटती है, यानी कि टोटल जो गवर्नमेंट आपके सैलरी से काटेगी वो 3,038 रुपये काटेगी, ठीक है, 3,038 रुपये काटेगी। तो टोटल पे आपका 33,658 रुपये बनता है, 3,038 रुपये आपका कट जाएगा, तो नेट पे यानी कि जो हाथ में आपका पेमेंट आएगा, इन हैंड आपका आएगा, वो कितना आएगा, 30,620 रुपये, कितना आएगा, 30,620 रुपये। अब आते हैं कि एसएसएफ में जो आप ट्रेनिंग करने के बाद जब आप ड्यूटी ज्वाइन करिएगा तब आपका सैलरी कितना बनेगा। आप कहीं से भी कर लीजिए, इसका प्रूफ भी हम आपको दे देंगे, अगस्त 2022 का है, जो अभी लेटेस्ट सैलरी हम लोग आया है ना वो उसका है। इसमें आपका बेसिक पे हम लोग का जुलाई में इंक्रीमेंट लगा था, तो 22,400 हो गए थे, 700 रुपये का इंक्रीमेंट लगता है। अब यहाँ पर आइए, तो बेसिक पे हमारा 22,400 है, DA हमारा 34% अभी चल रहा है, 37% 3% और बढ़ा है, बट अभी मिला नहीं है वो, तो 7,616 रुपये आपका DA हो जाता है। HRA अगर कि अब हम बात करें तो HRA आपका 27% होता है, ठीक है, जो आपको मिलता है, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा जब बेसिक पे आपका बढ़ेगा तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, 6,048 रुपये। जैसा कि आप पहले देख रहे होंगे, तो पहले HRA हमारा 5,859 रुपये था, तो बेसिक हमारा भी कम था, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, फिर आप HRA 6,048 रुपये हो गए, फिर TPT हमको एक्स्ट्रा मिलता है, जो ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी मिलेगा उसमें TPT ही आपको ज़्यादा मिलता है। दूसरी चीज़, जो HRA आपको मिलता है वो 27%, सबसे ज़्यादा HRA 27% ही होता है। TPT आपको 4,824 रुपये मिलता है, CPMA ये 23 रुपये आपको मिलता है। टोटल पे जो आपका बन रहा है, जो हमारा इस बार बना है, वो 40,911 रुपये बना है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट कितना हमसे काटेगी, तो गवर्नमेंट हमसे रिकवर करेगी CGEGIS 30 रुपये, NPS जो Tier 1 का है, ये जो Tier 1 का था इसमें आपको 3,002 रुपये काटेगी,
फिर CGHS 250 रुपये कटेगा, यानी कि टोटल गवर्नमेंट जो आपसे रिकवर करेगी वो कितना करेगी, तो 3282 रुपये कितना करेगी, 3282 रुपये। तो आपका जो नेट पे बनेगा यानी कि जो आपके अकाउंट में आएगा वो कितना आएगा, 37,629 रुपये। कितना आएगा, 37,629 रुपये आएगा। आपका जो नेट पे बनेगा वो कितना बनेगा, 37,629 रुपये। ठीक है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आपका उस समय का है, ये ट्रेनिंग टाइम का है। इसमें कुछ कुछ अंतर होता है, कुछ कुछ अंतर होता है, वो आपको बाद में फिर पता चलेगा, ठीक है ना, जब यहाँ आइएगा तब। जैसे आपका यहाँ पर जो है, जैसे जैसे आपका बेसिक पे बढ़ेगा वो आपको उस तरीके से। दूसरी चीज़, HRA आपको जो होता है, HRA आपको सबसे ज़्यादा यहाँ मिलता है, चूँकि ये दिल्ली है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ का HRA सबसे ज़्यादा होता है, 27%। तीन टाइप्स के HRA होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा 27% होता है, ठीक है, तो यही आपका बढ़ा हुआ मिलता है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आपको क्या क्या मिलता है ट्रेनिंग टाइम और ट्रेनिंग के बाद, सिर्फ आपको एक ही चीज़ का अंतर होता है कि आपको ट्रेनिंग टाइम में TPT नहीं मिलता है और ट्रेनिंग के बाद आपको TPT मिलता है, ठीक है, और ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं होता है। वेल सेटल्ड इस जॉब में ये सैलरी बहुत बेहतर है, आप एक बार इसमें आइएगा तब आपको समझ में आएगा। अदर नौकरियों से ये जॉब बहुत बेहतर है, हम हर वीडियो में अपने कहते हैं कि अदर जॉब में आप सिर्फ, मतलब एक तरीके से कहो कि काटोगे, कमाओगे, खाओगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है, बट इसमें आप अपनी लाइफ को इन्जॉय करोगे अपने खुद के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ में। तो अगर, चलिए लास्ट में यही बोलेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि थोड़ा सा एफर्ट आप भी लगा दीजिए, ठीक है। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, ऐसे हम वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें बताएं, हम उस टॉपिक पे वीडियो लाएंगे, और आप कमेंट ज़रूर करें क्या आपको सही लगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट में आप दे सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। जहाँ तक बात रहा सैलरी से रिलेटेड, तो जितना हम आपको बताए हैं, सैलरी स्लिप का क्या होता है ना कि अभी कंफर्म उतना नहीं है, ऐसे कभी वैसा होगा तो हम आपको प्रिंटआउट अवेलेबल करा देंगे, उसमें आपको दिखवा देंगे, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो थोड़ा सा क्लीन नहीं आ रहा था, इसके चलते हम पुराने वाली वीडियो डिलीट कर दिए थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हम सैलरी यहाँ बताए हैं वही सैलरी मिलता है। ये मेरा पुराना सैलरी ट्रेनिंग के समय का है और ट्रेनिंग के बाद का, ये मेरा अपना सैलरी है, यहाँ पर ये नहीं है कि हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो जल्दी ही आएगी, अब ज़्यादा लेट नहीं होगा, हर दिन तो ना कर सकते हैं, बट हाँ एक एक वीडियो हर दिन आपको अलग अलग टॉपिक पर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, चलिए थैंक यू।